हेलो एवरीवन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सेवेंथ का एग्जाम्पलर का जो पूरा क्वेश्चन आंसर्स है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे सिक्स चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज इसमें से कौन सा ऐसा है जो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन कंबिशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड मेल्टिंग ऑफ वैक्स अब बाकी तीनों को अगर कंसिडर करो ए बी और सी को तो इसमें कोई ना कोई नई चीज फॉर्म हो रही है और ऑटोमेटिकली किसी किसी में बर्निंग भी हो रही है ठीक है so, सो ऐसे में ये तो नया सब्सटेंस बनाएंगे लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स में केवल उसकी शेप चेंज होगी वो सॉलिड से थोड़े टाइम के लिए लिक्विड में कन्वर्ट होगा फिर उसकी शेप चेंज होगी तो ये वाला आपका क्या होगा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होगा नाउ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज ठीक है इसमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कटिंग ऑफ फ्रूट्स बॉइलिंग ऑफ वाटर ये सारे के सारे फिजिकल चेंज है लेकिन जब आप वेजिटेबल को कुक करते हो वो एक नई चीज बन जाती है और वापस अपनी फॉर्म में नहीं जा सकती तो वो आपको एक एग्जाम्पल हो गया ना फ्रूट्स में सारे फ्रूट्स के अंदर अगर आप जनरली कट करोगे तो वो फिजिकल है कुछ के अंदर जैसे कि एप्पल में तब केमिकल कंसिडर होता है बट उसने फ्रूट्स लिखा हुआ है अ केमिकल चेंज में इन्वॉल्व चेंज इन कलर ओनली

उसके अलावा इट चेंजेस कलर इट चेंजेस टेस्ट द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड तो आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सा सही है अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली मिल्क जब कर्ड में चेंज होता है तो उसका लिक्विड टू सेमी सॉलिड हो जाता है ये भी सही है कलर नहीं चेंज होता कलर इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि व्हाइट का व्हाइट रहता है टेस्ट चेंज हो जाता है और आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो तो वन थ्री एंड फोर्थ सही है और उस हिसाब से जो राइट right आंसर होगा दैट वुड बी सी पार्ट ओके अ मैन पेंटेड हिज मेन गेट मेड अप ऑफ आयरन एक मैन ने क्या किया अपने मेन गेट को पेंट किया जो आयरन का बना हुआ है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग प्रोटेक्ट इट फ्रॉम सन एंड उसके अलावा है मेक इट लुक ब्यूटिफुल मेक इट डस्ट फ्री तो उसने ऐसा क्यों किया होगा सबसे पहली बात है जो उसका रीजन रहा होगा यहाँ पे दो हो सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें वैसे तो कायदे से उसने उसको पेंट किया ताकि वो उसको रस्टिंग से बचा पाए फर्स्ट है ना लेकिन यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है तो फर्स्ट के साथ आपको किसी की पेयरिंग करनी पड़ेगी थर्ड है मेक इट लुक ब्यूटिफुल एंड फर्स्ट है फर्स्ट एंड टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन से तो वो बचा नहीं सकता तो एक ही ऑप्शन बच रहा है दैट इज डी पार्ट विच इज फर्स्ट एंड थर्ड कि उसने उसको सुंदर बनाने के लिए एंड टू मेक लाइक प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग उसके लिए उसने मेन गेट को uh, क्या कहते हैं पेंट किया ठीक है नाउ आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन डेली इज फेमस फॉर द फॉलोइंग फैक्ट्स फैक्ट्स ऑफ इज फॉलोइंगल फॉर इट्स लॉन्ग स्टेबिलिटी ठीक है किस रीजन से कौन सा एक ऐसा फैक्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इतने टाइम से स्टेबल है खराब नहीं हुआ है क्योंकि इट इज मोर देन सेवन मीटर्स हाई इट्स वे अराउंड सिक्स थाउजेंड के जी

गैल्विनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रस्टिंग होना बचाते हैं किसकी रस्टिंग होना हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि रस्टिंग ना हो इसीलिए गैल्विनाइजेशन जो प्रोटेक्ट करता है आयरन को प्रोटेक्ट करता है ओके पहली मदर्स मेड अ कंसंट्रेटेड शुगर सिरप बाय डिसॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर तो पहले की मदर ने क्या किया एक कंसंट्रेटेड गाढ़ा शुगर सिरप बनाया जिसमें शुगर को उन्होंने हॉट वाटर में मिला दिया ठीक है अब क्या हुआ कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ शुगर गेट सेपरेटेड जब ठंडा हुआ तो शुगर के क्रिस्टल सेपरेट हो गए इससे क्या पता चलता है फिजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड केमिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड फिजिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड केमिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड तो अकॉर्डिंगली इससे हमें जो पता चला वो ये पता चला कि ये एक ऐसा फिजिकल चेंज था जो वापस रिवर्स हो गया तो शुगर के क्रिस्टल मिलाए फिर वापस हमें मिल गए तो इसका राइट आंसर होगा फिजिकल चेंज दैट कैन बी से कौन सी स्टेटमेंट है जो केमिकल रिएक्शन के लिए इनकरेक्ट होगी नाउ हीट मेंउ बट नेवर एब्सॉर्ब साउंड में बी प्रोड्यूस्ड अ कलर चेंज में टेक प्लेस अगेस में बी इन्वॉल्व सॉरी अ गैस में बी इवॉल्व मतलब गैस निकलेगी तो जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसने ये बोला कि हीट में बी गिवन आउट मतलब हीट हो सकता है प्रोड्यूस हो लेकिन कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ऐसा तो नहीं है इस रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें पॉसिबल है तो इसीलिए नाइन्थ में ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है टू ड्रॉप डायल्यूट सल्फरिक एसिड वर एडेड टू वन ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर एंड देन स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वॉटर वॉज एडेड टू डिस ऑन कूलिंग ब्यूटीफुल blue ब्लू crystal got separated. Step one and step two are. तो उसने क्या बोला कि आपने पहले डायरेक्ट सल्फरिक एसिड डाला वन ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर में उसके बाद उसके अंदर हॉट वाटर डाला ताकि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए ठंडा होने पे आपने देखा कि जो ब्यूटीफुल ब्लू कलर के क्रिस्टल्स से वो सेपरेट हो गए दैट मीन्स स्टेप वन जो है जिसमें आपने मतलब गर्म पानी डाला है और जब क्रिस्टल सेपरेट हुए दोनों के दोनों यहाँ पे हम जो कंसिडर करेंगे दे आर बोथ फिजिकल चेंजेस ओके तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन सही है नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी स्टेटमेंट गलत है वेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस जब एक केमिकल मतलब कैंडल बर्न होती है तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं एंड दैट स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि वो मेल्ट भी होती है और वो बर्न भी होती है ओके okay? उसके अलावा है बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस तो बैक्टीरिया क्या करते हैं एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं अगेन विच इज ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि यही प्रोसेस देखने को मिलता है उसके बाद है शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज दो दे आर पेंटेड शिप को बहुत ज्यादा डैमेज झेलना पड़ता है इवन वो पेंटेड है तब भी तो दिस इज वेरी ट्रू ना वाई दिस इज वेरी ट्रू बिकॉज चाहे वो पेंटेड हो लेकिन तब भी उसके ऊपर ना सोल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है तो शिप बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं उस चक्कर में स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स बिकॉज जब आप स्ट्रेच करते हो वो स्ट्रेच होके वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है एंड दैट वुड बी आ फिजिकल चेंज ओनली ओके फिर क्वेश्चन ट्वेल्व है

फिजिकल चेंज होने के साथ साथ इट कैन नॉट बी रिवर्स वापस रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि एक बार पेज फट गया तो फट गया उसके बाद आप वापस उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते हो नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम वन विद आइटम्स ऑफ कॉलम टू ठीक है आपको दोनों को मैच करना है सबसे पहले Uh, कुछ लेफ्ट में जो दे रखे हैं उनको राइट right के साथ आपको देखना है क्या सही है सो लार्ज क्रिस्टल्स लार्ज क्रिस्टल्स का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ फिर भी हो सकता है हम एकदम बेसिक से सॉल्व करेंगे आई ऑलरेडी नो द आंसर्स बट आपको एकदम जैसे स्टार्टिंग से सॉल्व करवाते हैं लास्टिंग और लार्ज क्रिस्टल यानी वन और थ्री का तो कोई मतलब नहीं है बट येस yes. शुगर कैंडी मिश्री जो होती है मिश्री में आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं इट्स वेरी मतलब कहते हैं कि शुगर से ज्यादा बेटर मिश्री होती है बिकॉज इसके बड़े बड़े क्रिस्टल मिलते हैं बनते हैं सो so, इसीलिए इसका आंसर फोर हो सकता है ठीक है डिपोजिशन आ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन दिस इज वेरी इजी आपको भी पता है दैट इज गैल्विनाइजेशन बिना देखे आप बता देंगे सो दैट वुड बी सी पार्ट सॉरी सिक्स पार्ट नेक्स्ट पे आते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क तो सारिंग ऑफ मिल्क में यहां सब में कुछ नहीं बैठ रहा लेकिन फिफ्थ बैठेगा जो कि एक केमिकल चेंज है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे आपका एक चीज बैठ रही है कि वो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है सो so, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया फिर आया आयरन ऑक्साइड दैट इज ई पार्ट आयरन ऑक्साइड बेसिकली किसको बोलते हैं हम लोग रस्ट को बोलते हैं तो ये थर्ड पार्ट हो गया एंड डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर जब आप ऐसा करोगे तो क्या होता है दैट वुड भी एक ही ऑप्शन है दैट इज फिजिकल चेंज तो ये तो हमने कर लिया अब क्वेश्चन फिफ्टींथ करते हैं क्वेश्चन फिफ्टींथ में है मेकिंग शुगर अच्छा ये ऊपर आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपको इनको यूज करके इनको फिल करना है ठीक है मेकिंग शुगर सोल्यूशन इज अ डैश चेंज तो ऑब्वियसली बात है अगर आप शुगर सोल्यूशन बना रहे हो तो वो आपका रिवर्सिबल भी हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है एंड सेकेंड uh, में क्योंकि आई थिंक रिवर्सिबल आएगा इसलिए यहां पे आपका फिजिकल हुआ ठीक है एंड अ फिजिकल चेंज इज जनरली जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली क्या होता है मैं उनको कट करती जा रही हूं रिवर्सिबल चेंज ओके ग्राइंडिंग ऑफ वीट ग्रेन चेंजेस इट साइज इट इज अ डैश चेंज यहां पर भी सेम चीज आ सकती है ऑल दो कट हो गया बट यहां पर भी आपका आएगा फिजिकल चेंज ग्राइंडिंग ऑफ यानी वीट को हम जब आटा बनाते हैं तो आटा बनाने में कोई नया चीज तो नहीं बन रही केवल उसके पीस हो रहे हैं तो दैट वुड बी अ फिजिकल चेंज आयरन बेंच इस कैप्टन लॉन्स इन गार्डन गेट डैश यानी कि बेसिकली क्या होता है जब आयरन बेंजेस को छोड़ देते हो तो उनके अंदर जंग लग जाती है सो दैट वुड बी रस्टेड एंड इट इज अ डैश चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड है ना तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इट इज अ केमिकल चेंज नो वाई इट इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ओके नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन सिक्सटीन क्लासिफाई द फॉलोइंग प्रोसेस इन टू फिजिकल और केमिकल चेंजेस आप इनको क्लासीफाई कीजिए सबसे पहले बीटिंग ऑफ मेटल टू मेक फॉइल आप केवल एक मेटल को पतला करके उसकी फॉइल बना रहे हो जिसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है तो ये आपका फिजिकल चेंज हो गया ओके डाइजेशन ऑफ फूड आपका केमिकल चेंज होगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो एक नया प्रोडक्ट बनिएगा जो पुराना है और नया जो है बिल्कुल मैच नहीं करेगा और ऑब्वियसली रिएक्शन हो रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर तभी ये चीजें हो रही हैं तो केमिकल रिएक्शन है कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इन टू पीसेज दैट वुड बी सिंपली फिजिकल इसको हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं जो आपकी एनसीआर टी की एक्सरसाइज है उसके बाद बोर्निंग ऑफ क्रैकर दीज आर द केमिकल चेंजेस वाई कैमिकल चेंजेस नई चीजें बनती हैं बॉर्निंग होती है प्रॉपर रिएक्शन होते हैं ठीक है नाउ राइट वर्ड इक्वेशन फॉर टू कैमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ मटेरियल गिवन इन द बॉक्स ठीक है आपको क्या करना है सबसे पहले इन सब वर्ड को यूज करके कोई केमिकल मतलब इक्वेशन लिखनी है वर्ड इक्वेशन आपको फॉर्मूले नहीं रखने यहां पे हम लोग यस एक बहुत इजी है तो ये आप आयरन से रिलेटेड बना सकते हो ठीक है ये आपका ये हो गया सो यहाँ पे हम कर सकते हैं आयरन प्लस एयर प्लस वॉटर विल फॉर्म आयरन ऑक्साइड ओके ये तो एक हो गया फिर है बबल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसने क्या बोला जब एसिटिक एसिड ऐड करते हो आप किसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर तब आपका क्या होता है ओके okay, न तो हमने एक तो केमिकल रिएक्शन बना लिया है अब दूसरा भी हम लोग बना लेते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे हम लोग कॉपर शल्फेट सॉल्यूशन ले सकते हैं कॉपर शल्फेट सोल्यूशन में हम लोग क्या ऐड करेंगे आयरन ऐड करेंगे और जब आप आयरन ऐड करते हो कॉपर शल्फेट में यहाँ पे ये यह वाला भी यूज हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसके अंदर फिर आपका जो सोल्यूशन बनता है दैट इज आयरन शल्फेट और प्लस कॉपर अलग हो जाता है जिसको मैं एक बार लिख देती हूँ ठीक है सबसे पहले है कॉपर शल्फेट कॉपर शल्फेट के बाद है आयरन ठीक है आयरन जो कॉपर शल्फेट के साथ मिलता है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देता है इसलिए यहां पे बन गया आयरन शल्फेट प्लस यहां पे क्या बन गया आपका कॉपर अलग हो गया विच इज अ काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ठीक है न क्वेश्चन एटीन पे आते हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइम वॉटर टर्न मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटू इट तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों हुआ क्या हुआ तो जब लाइम वॉटर है वो मिल्की हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड आप उसमें पास करते हो क्योंकि वो मिल्की हो जाता है इसलिए क्योंकि वहां पे एक चीज फॉर्म होती है विच इज वाइट कलर्ड इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एक सेकेंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर्ड इन सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइम वाटर है वो मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है नाउ बी है बबल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बबल्स प्रोड्यूस होते हैं जब एसिटिक एसिड acid को आप ऐड करते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर सो so बेसिकली यहाँ पे बबल्स जो बन रहे हैं ना दे बबल्स आर फॉर्मिंग बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी वो इवॉल्व हो रही मतलब वो प्रोड्यूस हो रही है इस वजह से यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व और प्रोड्यूस ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिडिक एसिड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके सो नेक्स्ट पे आते हैं ये वाला हमने कर लिया अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को करेंगे लेकिन इसके लिए मैं वर्ड खोलती हूँ वर्ड में आपको समझाऊंगी राइट तो हम स्टार्ट करते हैं उन्हीं क्वेश्चन से जहां पे हमने छोड़ा था केवल लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उससे पहले के हमने सारे कवर कर लिए हैं गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज फिजिकल चेंजेस दट आर रिवर्सिबल मतलब फिजिकल चेंजेस और रिवर्सिबल हो फोल्डिंग ऑफ पेपर पेपर फोल्ड करो वापस खोल लो नॉर्मल है मेल्टिंग ऑफ आइस आइस मेल्ट हुई दोबारा आपने फ्रीज कर दिया तो दे आर द रिवर्सिबल चेंजेस फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल तो इसमें हम कह सकते हैं इट इज अबाउट टीयरिंग ऑफ पेपर अगर आपने पेपर फाड़ दिया वो वापस बैक फॉर्म में नहीं जा सकता या फिर कटिंग ऑफ वुड जिसमें आपने वुड को कट किया लेकिन वो वापस पुरानी फॉर्म में नहीं जा सकता बट है वो फिजिकल चेंज ही केमिकल चेंज में रस्टिंग इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कडलिंग ऑफ मिल्क दूध का दही मतलब बेसिकली दही बनना कुकिंग ऑफ फूड ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस नो क्वेश्चन ट्वेंटी है गिव एन फॉलोइंग सिग्जाम्पल दीजिए केमिकल रिएक्शन के लिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड ठीक है जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लू जो होता है सॉल्यूशन उसको आयरन आयरन मेटल मेटल के मतलब उसके अंदर आप डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्यूशन ग्रीन हो जाता है बिकॉज आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर अलग आ जाता है ओके गैस इवॉल्व होती है जब बेकिंग सोडा और विनेगर को आप रिएक्ट करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है तो ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया ठीक है नाउ उसके बाद है साउंड इज प्रोड्यूस जब आप क्रैकर्स बर्न करते हो तब आपका साउंड प्रोड्यूस होता है ओके सो so, ये छोटे-छोटे एग्जांपल्स हुए नाउ कोश 21 है 21 है इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर फ्यू डेज इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट अगर आप पीस ऑफ आयरन को क्या कहते हैं छोड़ देते हैं ओपन में कुछ दिन के लिए तो वो एक फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं क्या आपको लगता है कि रस्ट डिफरेंट है आयरन से यस yes. आयरन के ऊपर जब पूरा यू नो ऑक्सीडेशन हो जाता है तब उसकी वजह से वो आयरन ऑक्साइड बन जाती है जो कि आयरन से डिफरेंट है कैन यू चेंज रस्ट बैक इन टू आयरन बाय सम सिंपल मेथड्स क्या आप रस्ट को वापस आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो किसी सिंपल मेथड से फॉर्मेशन रस्ट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसीलिए हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं किसी भी मेथड से डू यू थिंक द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट फ्रॉम आयरन इज अ केमिकल चेंज क्या आपको लगता है कि जब रस्ट का फॉर्मेशन होता है आयरन से वो एक केमिकल चेंज है यस बिल्कुल इट इज अ केमिकल चेंज क्योंकि यहाँ पे आपका रस्ट बन रहा है जब वो रिएक्ट कर रहा है वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ जिसकी वजह से फाइनली आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है तो, तो दिस इज बिकॉज यहाँ पे एक नया कंपाउंड बन रहा है तो ये आपका क्या है एक जैसे कहते हैं केमिकल चेंज नहीं हो सकता कुछ भी और केमिकल चेंज हो तो जब दही बनता है वो वाला या फिर मैग्नेशियम रिबन को अगर आप बर्न करोगे तो वो मैग्नेशियम ऑक्साइड बना देगा एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल ओके क्वेश्चन ट्वेंटी टू पे आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू है अटूडेंट टुक अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर शल्फेट इन अ बीकर एंड पुट अ क्लीन आयरन नील इन टू इट एंड लेफ्ट इट फॉर अबाउट एन एक स्टूडेंट ने एक सोल्यूशन लिया कॉपर शल्फेट का एक बीकर में उसके बाद उसके अंदर क्लीन आयरन नेल डाल दिया और उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया क्या चेंजेस आपको देखने को मिले पहली बात तो जो सोल्यूशन था ब्लू कलर का कॉपर शेल्फेट का वो कन्वर्ट हो गया ग्रीन सोल्यूशन में और वो जो ग्रीन सोल्यूशन आपका बना वो बेसिकली क्या बना आयरन शल्फेट ठीक है वो आपका बना आयरन शल्फेट नेक्स्ट इज आर दीज चेंजेस केमिकल इन नेचर क्या ये केमिकल मतलब दिए आपके केमिकल नेचर के हैं येस yes, बिल्कुल ये केमिकल चेंजेस हैं राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल चेंज इफ एनी सो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको लगाया हुआ है आप देख सकते हैं कॉपर शल्फेट सोल्यूशन दैट दैट इज ओरिजिनली ब्लू ब्लू कलर का है वो स्टार्टिंग में जब उसमें आयरन आपने डाला तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन शल्फेट सोल्यूशन बना लिया जो कि एक्चुअली में ग्रीन कलर का है और कॉपर के डिपॉजिट उस पर इकट्ठी हो गई दैट इज ब्राउन डिपॉजिट ठीक है सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टूडे एंड हम लोगों ने पूरा एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व कर लिए हैं ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपको कुछ भी समझ में आओ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिलेंगे अलग अलग प्ले के उनको चेक करना बिल्कुल मत भूलना या फिर डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाइए वहां पे आपको प्लेलिस्ट ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हो सर्टेन ऑप्शंस जो भी वीडियोस मैंने आज तक कवर करी है थैंक यू सो मच